बच्चों से बिल वसूली के मामले में मीडिया की खबरों के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। शिक्षा विभाग ने मिडिल स्कूल पुराना बाजार में बच्चों से बिजली, पानी और सीवरेज के नाम पर की गई वसूली पर कार्रवाई करने की बात कही है। जब इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक केडी शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है और अगर ऐसा हुआ है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा पूरी तरह से निशुल्क रखी गई है और इस दौरान बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, उल्टा बच्चों को निशुल्क सुविधाएं दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है और इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी अध्यापक दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर 1 से 8वीं तक के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है और किसी भी बच्चे से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकता, और अगर ऐसा शुल्क लिया गया है तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद उचित कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। बता दें कि सुंदरनगर के साथ लगते मिडिल स्कूल पुराना बाजार में अध्यापकों ने बच्चों से 150 रुपए स्कूल में जमा करवाने को कहा था। स्कूल प्रशासन का तर्क था कि स्कूल के पास बिजली, पानी और सीवरेज का बिल देने के लिए फंड नहीं होता, इसलिए बच्चों से ये पैसे लिए जा रहे हैं। जब ये मामला मीडिया कर्मियों के ध्यान में आया तो इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।